Conrad Hall said, "Cinematography is infinite in its possibilities, much more so than music or language." So I know, बड़े टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मुझे वायरल हो गया था एंड शायद मेरी आवाज़ से भी थोड़ा आइडिया लग रहा हो. सो ड्यूरिंग द टाइम आई वॉज सिक आई केम अक्रॉस दिस चैनल कॉल्ड किब्बा किब्बी. किब्बा किब्बी के बारे में अगर कोई नहीं जानते, स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, आई विल टेल यू मोर अबाउट दैट. और ये कोई चैनल एनालिसिस वीडियो नहीं होने वाली है, इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी माई पर्सनल ओपिनियन. एंड ऑफ कोर्स एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी वैल्यू दूंगा जो तुम अपने साथ लाइफ में ले जा सकते हो. सो लेट स्टार्ट. किब्बा किब्बी इज अ चैनल विद ऑलमोस्ट 90K सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएट्स द कंटेंट अराउंड फिल्म मेकिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग. और जो मेरी ऑडियंस है उन्हें साफ पता होगा कि मुझे ये सारा कंटेंट कितना ज़्यादा पसंद है. बाय द वे, न्यू सेटअप और लाइटनिंग का थोड़ा इशू है तो मैनेज कर लेना. सो आई विल टॉक अबाउट दिस पर्सन. दिस पर्सन डज नॉट स्पीक आउट ऑफ नंबर्स बट रैदर एक्सपीरियंस. इसकी रिसेंटली अभी वीडियो आई थी राम सेतु के ऊपर और वो क्लियरली बताता है कि बंदा कितना ज़्यादा जेन्युइन है इन हिज ओपिनियन एंड रिव्यूज. जैसे कि एक बात होती है ना, दैट राम सेतु मूवी का ट्रेलर आया था बिकॉज एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग VFX ऑफ आदि पुरुष. सेम द डेट फॉर राम सेतु एंड शमीम, जो कि उसका ओरिजिनल नाम है. बैक बाय रीजनिंग एंड सॉलिड प्रूफ्स उसने बताया कि कैसे एग्जैक्टली कुछ चीज़ें VFX में हमें अच्छी नहीं लगती. उसने ऐसे नहीं किया कि सिर्फ बाकियों की तरह क्रिटिसाइज किया इस पोस्टर को. और यही बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही है कि इस ट्रेलर को हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग, जो कि मोस्टली रोस्टर्स एंड मूवी रिव्यूज कर रहे हैं. इनफैक्ट देयर इज समथिंग गुड टू बी लर्न्ड आउट ऑफ एवरीथिंग. और ये बात किब्बा किब्बी ने बहुत अच्छे से बताई अपनी राम सेतु वाली वीडियो में. बिकॉज मेरा भी वही ओपिनियन था दैट उसका VFX इतना बुरा भी नहीं था जितना ज़्यादा क्योंकि एक हाइप बन चुकी थी कि आदि पुरुष को भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको भी क्रिटिसाइज करो. एंड दैट वॉज एग्जैक्टली दैट वीडियो वॉज अबाउट. बट टॉकिंग अबाउट दैट, इससे हमें पता चलता है कि दैट ऑल इज वीडियोज, ऑल इज कंटेंट इज बेस्ड अराउंड ऑब्जर्वेशन रैदर दैन जस्ट फसाड एंड जस्ट बुलशिट स्प्रेडिंग अक्रॉस द इंटरनेट और द ट्रेंड्स गोइंग अराउंड द फैड. बेसिकली आई रियलाइज कि जब आप बंदों के साथ किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करके बात कर सकते हो, देन द ऑडियंस आर श्योर टू फॉर्म अ कनेक्शन विद दैट पर्सन. और ये मैंने खुद की वीडियोज में भी रियलाइज किया है. अर्लियर आई यूज टू डू दिस लाइक फॉर्मेटिंग की यहाँ से एलिमेंट आ रहा है, यहाँ से एडिटिंग हो रही है, दैट अल्ट्रा प्रो एडिटिंग. बट वेदांत रश्टी ने भी इसके बारे में अपनी वीडियो में बात की है दैट नाउ डेज दिस सेंसेशनल सॉर्ट ऑफ कंटेंट इज इंक्रीजिंग और उसके कारण जो ऑडियंस और यूट्यूबर्स के बीच एक कनेक्शन होता था ना, दैट इज सॉर्ट ऑफ गेटिंग मिस्ड. ऐसे कितने चुनिंदा, ऐसे गिनती उंगलियों पर करने वाले क्रिएटर्स रह गए हैं जिनको तुम ऐसे कह सकते हो कि यार ये इंसान मेरे को पसंद है, ये इंसान बढ़िया इसकी. और वही ब्रोकन लिंक एंड लैक ऑफ कनेक्ट बिटवीन ऑडियंस एंड यूट्यूबर इज मैनेज्ड वेल बाय किब्बा किब्बी. The only reason I could watch almost 50 plus videos of that YouTuber during my fever was क्योंकि उसका content matter नहीं करता. The sort of connection that he established with his audience was the key USP of his videos. उसने काफ़ी variety of topics पे बात की है और जो कि general audience होती है जो सिर्फ उस topic के लिए आती है वो तो उसको देखेगी, but will stay for his connect with the audience, for his genuineness, for his honest opinions and reviews without worrying about the trends and the fad. And इसीलिए इस वीडियो की भी वैल्यू यही होगी. हमें लगता है कि अगर हमें किसी को इम्प्रेस करना है तो हमें यह फलाना ऐसे ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे और अपने करेक्टर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना पड़ेगा कुछ और ही बनने के लिए. बट एट द एंड ऑफ द डे एक बंदा उसी के साथ कनेक्ट करता है जिसके साथ उसे लगता है कुछ जेन्युइननेस अटैच्ड है. इसीलिए द वैल्यू ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यू इन एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ, चाहे वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो. हर सिचुएशन में अगर तुम अपने कंपोनेंट के साथ रहोगे ना, देन द चांस ऑफ अदर पर्सन गेटिंग अट्रैक्टेड और कनेक्टेड विद यू आर मच मच हायर. एंड इसी के बारे में मैंने अपनी बुक में भी जिक्र किया है. अगर कोई इंटरेस्टेड है, द बुक जस्ट कॉस्ट 110, यू कैन परचेज, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. एंड वीडियो मेरी बड़े टाइम बाद आई है, सो सॉरी अबाउट दैट, आई एम जस्ट रिकवरिंग. होप यू लाइक दिस वीडियो. टिल देन कीप एनालाइजिंग. बाय.